हाय गाइस, सो यार हिंदी लैंग्वेज में भी एक फ्रेज है कि यार नकल करने के लिए अकल चाहिए होती है। अगर तुम इस मूवी को देखोगे तो तुम्हें ये फ्रेज बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल लगेगा, क्योंकि लूप लपेटा जो मूवी है वो बेसिकली एक जर्मन क्लासिक मूवी का रीमेक है और उन्होंने इस मूवी में बहुत ज्यादा कोशिश की है कि वो जर्मन मूवी जो है उससे ही बहुत ज्यादा अच्छी मूवी बना पाए, पर उन्होंने जितनी ज्यादा कोशिशें की है उस चक्कर में उनकी मूवी और ज्यादा खराब ही होती जा रही थी। इस मूवी में भी हमें उसी जो क्लासिक ओरिजिनल मूवी है उसी की सेम स्टोरी देखने को मिलती है, जिसमें जो हीरोइन है उसको तीन अलग अलग सिचुएशंस मिलती है एक ही सिनेरियो की। अब वो कैसे अपने सिचुएशन को अलग कर पाती है, कैसे वो दूसरे सिनेरियोज में क्या क्या करती है, ये सारी चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी। और हाँ, ये एक टाइम ट्रैवल मूवी है जो कि एक्चुअली मतलब साइफाई कैटेगरी में नहीं आएगा, उसमें मतलब ऐसे टाइम मशीन्स और इसकी बात नहीं की गई है, पर जितना भी उसमें टाइम ट्रैवल का सिनेरियो दिखाया गया है उसके चक्कर में देख के तो यही लगता है कि बॉलीवुड की एक अच्छी कोशिश थी साइफाई मूवी बनाने की। वैसे यार टाइम ट्रैवल से ज्यादा मैं इसको अगर टाइम लूप बोलूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे भी यार देखो, टाइम लूप का जो एक कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, पर ना बॉलीवुड के लिए वो आज भी बहुत ज्यादा नया कंसेप्ट है, तो हो सकता है ये मूवी बहुत इंडियंस को अच्छी भी लगे। पर ना मैक्सिमम लोग जिन्होंने इसकी ओरिजिनल मूवी भी देखी है, फिर ग्राउंड हॉग डे देखी है, द मैप ऑफ टाइनी परफेक्ट थिंग्स देखी है, ऐसी जितनी भी टाइम लूप वाली मूवीज है, अगर वो उसको देखने के बाद इसको देखेंगे तो इनको थोड़ी सी ये मूवी बोरिंग लग सकती है, क्योंकि इसका जो पूरा ओवरऑल कंसेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव है और जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए इस मूवी को वो इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस मूवी का जो अडेप्टेशन है वो बहुत ही ज्यादा ना कंफ्यूजिंग और बहुत ही बोरिंग मैनर में बनाया गया है। मतलब उन्होंने सोचा था कि वो लोग उसकी एडिटिंग, उसके वीएफएक्स से इस मूवी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, हालांकि उन्होंने बनाया भी, पर ना उन चीजों को उसमें इतना ज्यादा यूज कर दिया गया था जिसको देख के लग रहा था कि यार चीजें बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो रही है। क्योंकि जो ओरिजिनल मूवी है जिसका नाम था रन लोला रन, उसका जो एक कंसेप्ट था और उसकी जो एक पेसिंग थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छे मैनर में थी, और इसमें हमें देखने को मिलता है कि इसकी जो पूरी ओवरऑल पेसिंग है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होती जा रही है और काइंड ऑफ बहुत सारे सिचुएशन से बोरिंग भी होती जा रही है और बहुत ज्यादा रिपीटेटिव भी होती जा रही है। मतलब शॉकिंगली एकदम से फ्लैशबैक्स आ जा रहे हैं, फिर आफ्टर फ्लैशेस आ रहे हैं, फिर एकदम से वापस फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, जो कि मेकर्स को लग रहा होगा कि यार वो लोग एक बहुत ही कूल कंसेप्ट पे मूवी बना रहे हैं, पर ना उसको देखने के बाद तो यही लगता है कि यार मूवी थोड़ी सी डिसजॉइंट होती रह गई, और उसके बाद उसका जो एक रन टाइम था वो भी बहुत ज्यादा था। लाइक कंपैरेटिवली जो ओरिजिनल मूवी है उससे वो एक घंटा ज्यादा एक्स्ट्रा बनाई गई है, तो उसके रन टाइम की वजह से भी चीजें और ज्यादा बोरिंग हो जाती है और रिपीटेटिव तो थी। इस मूवी में जो हमारे मेन हीरो और हीरोइन है जिनका नाम रहता है सत्यवान और सावित्री, उनकी एक एनालॉजी दिखाई गई है और बेसिकली उनका जो एक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है उस वजह से वो कितने कैजुअल और कितने डम तरीके से चीजों को सॉल्व करते हैं, उन चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया है, जिसकी वजह से उस मूवी की जो स्टोरी लाइन थी वो थोड़ी सी दबी दबी सी रह जाती है, क्योंकि इसमें तो मैं अच्छे से पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली हीरो कौन है, विलेन कौन है, और जो एक बहुत खतरनाक विलेन है वो भी कभी कभी बहुत ज्यादा डंब हो जाता है, तो इसके वजह से जो एक बैलेंस होता है वो एकदम एवरेज ही रह जाता है। ऑन द प्लस पॉइंट उसी के कंसेप्ट में उन्होंने ना माइथोलॉजी को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश की है, बस इस वजह से इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी अलग हो जाती है, अदरवाइज वो पूरी की पूरी मूवी कॉपीड ही है। इस मूवी को एक्चुअली क्राइम थ्रिलर का जॉनर दिया गया है, बट इसको देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि ये क्राइम कॉमेडी मूवी थी, क्योंकि थ्रिलर का जो एक कंसेप्ट था वो इस मूवी में ज्यादा आ नहीं पाया, क्योंकि इसमें कॉमेडी जो इतनी डम डाली गई है जिसकी वजह से ना मूवी बहुत ज्यादा मतलब मेरे लिए तो बोरिंग हो जाती है। अच्छी कोशिश थी, अच्छी एडिटिंग थी, वीएफएक्स भी काफी ज्यादा अच्छा था, पर जो इसके बहुत सारे पीजेस थे, बहुत सारे बैड जोक्स थे, इस वजह से मूवी बहुत ही ज्यादा ना डिसेंट अमाउंट पे नीचे गिरती जाती है। लाइक इतना इमेच्योर और चाइल्डिश सा ह्यूमर था कि यार ऐसा लग रहा था कि यार वो केजी और नर्सरी के स्टूडेंट्स के लिए मूवी बनाई है, बस ये शर्त है कि इसमें बहुत ज्यादा गालियां भर दी है। लाइक मैं एक्चुअली इसके ट्रेलर देखने के बाद थोड़ा थ्रिल के एक्सपेक्टेशंस रख रहा था कि यार मतलब गैंगस्टर्स होंगे, वो लोग भी इनका पीछा करेंगे, फिर वो क्या करने वाले उस सिचुएशन में, ये सारी चीजें अगर हमें देखने को और ज्यादा मिलती भले वो मूवी के रन टाइम को और बढ़ा देते तो भी मैं देख लेता, पर उन्होंने 2.5 घंटे की जितनी भी मूवी है उसमें हमें सिर्फ अपनी ही स्टोरी रिवॉल्व करके दिखाई है, मतलब गैंगस्टर्स के कंसेप्ट को तो दिखाया ही नहीं अच्छे से, जिस वजह से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूं। और स्टार्टिंग के बेस के फर्स्ट 30 मिनट्स ना बहुत एवरेज लेवल पे ही चलते रहते हैं और पूरी मूवी ऑलमोस्ट एवरेज ही है, थोड़ा अच्छा वीएफएक्स की वजह से मूवी एंटरटेनिंग बन जाती है और लास्ट में एट द एंड आते आते ना वॉचेबल ही मूवी रह जाती है, वो भी सिर्फ वन टाइम वॉच, क्योंकि इसके बाद तो मैं इस मूवी को मैं बिल्कुल नहीं देखने वाला हूं। लाइक एक ऐसी टाइप की मूवी है जिसमें उन्होंने ना एक टाइम ट्रैवल कंसेप्ट को उठा के उसमें थोड़ी थोड़ी ऐसे जगह पे ना थ्रिल्स डालने की कोशिश की है, पर वो इतना अच्छे से एलैबोरेट हो नहीं पाया है, या हो सकता है वो लोग कुछ और ही सोच रहे हो पर वो रिजल्ट में कुछ और ही बन के निकल गई है। देखो मैं मानता हूं कि उन्होंने कोशिश तो बहुत अच्छी की है, क्योंकि एक टाइम ट्रैवल लूप मूवी बॉलीवुड में बनाना एक बहुत ही बड़ी चीज है। उन्होंने ये भी सोचा होगा कि जो एक सस्पेंस वो लोग क्रिएट करने वाले हैं
इस टाइम लूप के थ्रू, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा ऑडियंस को। पर उसी छोटी सी चीज को उन्होंने इतना ज्यादा एग्जैजरेट करके दिखाया है कि वो इतनी सी जो चीज है उसको इतना ज्यादा खींच दिया है, उस वजह से मूवी की जो कंसेप्ट है और जो पूरी स्टोरी है वो डैमेजिंग हो जाती है। अब अगर हम इसके एक्टर्स की बात करें तो उनका एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया था, एक्टिंग टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी, रोल के साथ उनका कंसेप्ट अच्छा लग भी रहा था। बस कहीं कहीं सिचुएशन में वो थोड़े से अनरियलिस्टिक लग रहे थे। मतलब अगर तुम रियल लाइफ में अपने आप को इमेजिन करो उस सिचुएशन में, तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे और वो लोग कैसे रिएक्ट कर रहे थे। उसमें देखा जाए तो वैसे भी वो एक बॉलीवुड मूवी है तो ड्रामा उन्होंने डाला ही है, पर वो एक रियलिस्टिक एक्टिंग जो होती है ना उस सिचुएशन में, वो हर जगह तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगी। तो एक्टिंग के मामले में तो ये मूवी अच्छी थी, पर और ज्यादा बेटर हो सकती थी। ओवरऑल जो मूवी है वो मुझे ठीक ठाक ही लगी, ज्यादा इंप्रेसिव भी नहीं लगी क्योंकि वो थोड़ी सी बोरिंग हो गई थी, पर कंसेप्ट अच्छा था और कंसेप्ट वैसे भी एक ओरिजिनल मूवी से उठाया गया है, तो ठीक है, मैं इतना ज्यादा उसकी तारीफ कर नहीं सकता हूँ। अदरवाइज कंसेप्ट इसका यूनिक है बाकी जो बॉलीवुड मूवीज आती है उनसे, तो तुम इसको एक अपने अच्छे वॉच लिस्ट में डाल सकते हो और एक बार इसको जरूर देख सकते हो और टाइम पास में फ्यूचर में कभी देख सकते हो। मेन इसका तापसी पन्नू और ताहिर राज भसीन, इन दोनों की वजह से ये मूवी इतनी ज्यादा राइज कर भी पाई है। हो सकता है कि कोई और एक्टर्स होते इस मूवी में तो वो इस मूवी को और ज्यादा बेकार ही बना देते, तो इनके लिए एक ये प्लस पॉइंट है। क्योंकि दोनों जो एक्टर्स थे वो अपने अपने सिनेरियो में ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट तो लग ही रहे थे, वरना ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जिसमें उनकी जो एक्टिंग लेवल है वो बहुत कम दिखता है हमें, वो भी उनकी वजह से नहीं, सिर्फ उनकी राइटिंग की वजह से, मतलब मूवी की जो स्क्रिप्टिंग है उसकी वजह से। वो इतनी ज्यादा लो लेवल पे थी कि वो अपनी ओरिजिनल एक्टिंग को भी उस सीन के थ्रू नहीं दिखा पा रहे थे, क्योंकि मूवी के जो राइटर्स हैं उन्होंने अपने जो कैरेक्टर्स है मूवी के उनके कैरेक्टर्स को इतने ज्यादा लो लेवल पे लिखा है, मतलब ऐसा लिखा है कि तुम इन कैरेक्टर्स को अडोर तो नहीं करोगे पूरी मूवी में, बस एक नॉर्मल कैरेक्टर तुम्हें लगेगा, जिसको ना तुम्हें मन में भी लगेगा कि यार मेरे पास इसके कैरेक्टर, मतलब इस पूरे कैरेक्टरिस्टिक ले थोड़ी सी ही हाइप है, ज्यादा है भी नहीं। लाइक एक वाइब चेक होती है ना कि सलमान खान की मूवी है, ऋतिक रोशन की मूवी है, वैसा कैरेक्टर तुम्हें इस मूवी में देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि आकाश भाटिया ने इस मूवी के थ्रू एक बहुत ही नया और एक इंटरेस्टिंग सा जॉनर इंट्रोड्यूस कर दिया बॉलीवुड में, जो कि एक बहुत ज्यादा क्राइम कॉमेडी और एक काइंड ऑफ ना स्पूफ टाइप की जॉनर थी, जिसको देख के मुझे तो मजा आया और मैं इस मूवी को उन लोगों को जरूर रिकमेंड करूंगा जिनको मूवी में जो कट्स होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं, एडिटिंग वीएफएक्स वाले जो शॉर्ट्स होते हैं वो ज्यादा देखने को पसंद आते हैं। तो इस मूवी को तुम जरूर देखो, बिल्कुल देखो, और टाइम ट्रैवल और टाइम लूप मूवीज पसंद है तो इसको भी एक बार जरूर देख सकते हो। तो यार मैं इस मूवी को रेट कर रहा हूं 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। सो यार अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो तुम जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो यार क्या कर रहे हो, यार क्यों बैठे हुए हो, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते अभी तक। आई विल सी यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।